बाद में राम के पहले अवतार परशुराम का हुआ है। इसका मतलब ये है कि राम को अगर सारी दुनिया परमात्मा मानती है तो राम परशुराम को अपना परमात्मा मानते हैं कि मेरा ईश्वर तो परशुराम है। बोलो है कि नहीं। इसलिए मेरा परमात्मा आकर के नियंत्रण बनाएगा। लक्ष्मण जी बोले हमने देखा नहीं आपका परमात्मा, कहे कि अब देख लेना मेरा परमात्मा कैसा है। और वास्तव में जैसे ही इन राजाओं ने तलवारें उठाई का आक्रमण, उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं तही अवसर सुनी। आक्रमण शब्द सुना, किसने सुना? परशुराम जी ने। तही अवसर सुनी, लोग कहते हैं आक्रमण शब्द नहीं सुना, धनुष टूटने की आवाज सुनी। तही अवसर सुन सिउ धन भंगा, धनुष टूटने की आवाज सुनी, राजाओं के आक्रमण की आवाज नहीं। याद रखना, धनुष टूटा भी है और धनुष ने टूट करके ये संकेत भी दे दिया है परशुराम जी को कि महाराज अब तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको जनकपुर जाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि ये धनुष साधारण धनुष नहीं था, इस धनुष ने परशुराम जी को भी संदेश दे दिया है। और परशुराम जी धनुष का संदेश सुन करके ही आए हैं। बोलो किसकी आवाज सुन के आए हैं? आवाज में ही संदेश है, संदेश में ही आवाज है प्यारे। बोले तही अवसर सुनी अरे सिउ धन भंगा, आए भग कुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आ गए, राजा तलवार उठा रहे थे, परशुराम जी ने कहा सावधान। और राजाओं ने कहा अरे ये आवाज तो परशुराम जी की है। और जैसे ही देखा राजाओं ने तो सब ने अपनी अपनी तलवारें नीचे डाल दी। राम जी ने कहा क्यों हमारे भगवान का कमाल देखा लक्ष्मण तुमने? हमारे भगवान का कमाल देखा? केवल आया ही है, अपना शस्त्र नहीं उठाया भगवान ने, देखते ही सबने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। देखो ये इतने जल्दी सरेंडर कोई करा सकता है? जल्दी बोलो भैया कि एक अकेले एक परशुराम और 10,000 का सरेंडर समर्पण, 10,000 ने एक साथ अपने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपका भगवान डाल दिए? भगवान ने कहा देखते जाओ। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम देखते जाओ। परशुराम जी ने एक निगाह फेंकी राजाओं के ऊपर, आंख लाल थी, और जैसे निगाह फेंकी तो सारे राजा दौड़े परशुराम जी की ओर। लक्ष्मण जी ने कहा लगता है कि ये मूडी राजा आक्रमण करने जा रहे हैं परशुराम जी के ऊपर। भगवान राम बोले मैं क्या कह रहा हूँ, देखते जाओ क्या हो रहा है। जैसे राजा दौड़े तो दौड़ करके सब साष्टांग प्रणिपात हो गए, साष्टांग। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो समर्पण कर दिया सबने, कहा अभी देखते तो जाओ कमाल, अभी तुम देखते जाओ देखते जाओ। जैसे ही समर्पण किया राजाओं ने, परशुराम जी ने कहा है खड़े हो जाओ, अब कहां पे कौन हो तुम? पितु समेत कही कही निज नाम, और लगे करण सब दंड प्रणाम। अपने पिता का नाम और पिता के पिता का भी नाम लिया और कहा कि अमुक सन में आपने अपने फरसे से हमारे पिताजी के पिताजी का मस्तक काट दिया था, हम उनके नाती हैं। अच्छा साइड में खड़े हो जाओ, साइड में खड़े हो, अब कांपे और कहे कि पत्नी ने रोका था कि दूसरी शादी अच्छी नहीं होती है, मरने जा रहे हो क्या? और वास्तव में मौत आ गई सामने, देखो मरने जा रहे। अब देखो मौत आ गई है, फरसा दिखाई दे रहा है और कांपे। दूसरे राजा से कहा तुम कौन? उसने भी कहा अमुक देश का राजा हूं, ये घटना। अच्छा साइड में खड़े हो जाओ। जितने राजा थे प्रणाम करते गए, परशुराम जी ने साइड में खड़ा कर दिया, कहा जब तक मैं कहना दूं जाना नहीं, लाइन में खड़े रहना, अगर किसी ने जाने की हिम्मत की तो जा। देखा ये फरसे का कमाल, कहा बिल्कुल जानता हूं, जा ही नहीं सकता हूं, मरने जाऊंगा क्या, और मरना तो वैसे भी है, इसलिए सब साइड में खड़े हैं। अब जनक जी का बोध देखें आप, राजा कांप रहे हैं। जनक जी महाराज जैसे प्रणाम करने के लिए आए तो परशुराम जी ने कहा जनक ये भीड़ कैसी है? कहा महाराज बेटी की शादी है,
अच्छा बेटी की शादी है। निगाह धनुष के ऊपर गई, कहा बेटी की शादी है लेकिन बेटी की शादी में धनुष की दुर्दशा कैसी? कौन ऐसा उद्दंड व्यक्ति आया जिसने तुम्हारी बेटी की शादी में यह दुस्साहस किया कि धनुष को तोड़ दिया? विवाह से धनुष का क्या लेना देना था? लेकिन उसका नाम बताओ किसने तोड़ा? कौन था उद्दंड? इन्हीं सब में कोई था क्या? ये बताओ किसने तोड़ा? एक राजा बोला बहुत अच्छा हुआ जो हम लोगों ने तोड़ा नहीं, अच्छा ही हुआ। जो काम होता है वो अच्छा ही होता है। अगर तोड़ देते तो ये मुसीबत सामने आ रही थी। देखो इसका मतलब है कि प्राण बच गए। परशुराम जी ने कहा, जनक मैं मानता हूं कि तुम सत्यवादी हो, तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो, और ये भी मैं जानता हूं कि तुम धनुष का सम्मान करते हो। ये भगवान शंकर का धनुष है, इसका सम्मान तुम्हारे राज्य में होता रहा, अभी तक इसका सम्मान सुरक्षित रहा, लेकिन टूटने का मतलब है अपमान। वो किसने अपमान किया है? तुम्हारे रहते हुए अपमान हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूं किसका दुस्साहस है, उसको बताओ। जनक जी ने सोचा कि झूठ बोल नहीं सकता क्योंकि झूठ बोलने की परंपरा नहीं है। याद रखना, ना अयोध्या की है ना जनकपुर की है, और जहां झूठ नहीं बोला जाता है उसको कलिकाल में आज भी अयोध्या मानते हैं। जिसके घर में झूठ नहीं बोला जाता है वो अयोध्या का घर है, वही जनकपुर का घर है। देखो भैया, कोई कारण विशेष पड़ जाए अलग बात है, झूठ बोलो, लेकिन अकारण में झूठ बोलने की आदत नहीं डालना चाहिए। लेकिन आज प्रायः हम देखते हैं कि लोग अकारण में झूठ बोलने लगे। बोलो, बोलने लगे कि नहीं? महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया सदा सत्य बोलो, तो लोगों ने कहा गांधी जी ये सदा सत्य बोलो नहीं चल पाएगा, कौन बोलेगा सदा सत्य? सदा सत्य सत्य ही सत्य बोलते रहो, धंधा चौपट सब चौपट, सत्य बोलो सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा मेरी बात तो सुनो, समझने की कोशिश किया करो। सदा सत्य बोलने का अर्थ जानते हो क्या होता है? क्या? लोगों ने कहा सदा सत्य मानी हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। हमेशा सत्य कैसे हम लोग बोल पाएंगे? कहा अकारण असत्य बोलना बंद करो, अकारण असत्य बोलना बंद कर दो। और जिस दिन समाज का व्यक्ति अकारण असत्य बोलना बंद कर देगा, धीरे धीरे उसके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो अकारण असत्य बोलने की, मिथिला में तो कोई असत्य बोलते ही नहीं, अयोध्या में कोई असत्य नहीं बोलता। जनक जी ने कहा असत्य के तो चांस ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन क्या जनक जी ये कहेंगे कि राम जी ने धनुष तोड़ा? बोलो, दामाद बना चुके हैं, अब धर्म संकट। लेकिन बुद्धि से काम लेना है। किससे काम लेना है? अब समझ लो, बुद्धि से, बोध की जरूरत है। उस समय क्रोध की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, उस समय बोध की जरूरत है। आपको महाराज जनक जी ने क्या परिचय दिया बोध का? इसलिए तो कहता हूँ बालकांड की कथा सुन रहे हो, उससे तुम्हें क्या शिक्षा मिल रही है? केवल खाली परंपरा से ही कथा सुनते आ रहे हो इसलिए सुन रहे हो? नहीं नहीं प्यारे, इससे शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती। बालकांड का ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। जनक जी महाराज पहले प्रणाम कर चुके हैं, लेकिन जनक जी ने सोचा कि आज केवल विकल्प यही बचा है कि परशुराम जी महाराज का क्रोध कैसे शांत हो। विकल्प यही बचा है कि क्रोध कैसे शांत किया जाए, और कैसे शांत किया जाए? कहा क्रोध, सुन लीजिए मेरी बात को, भगवान से एक प्रार्थना किया करो कि हर घर में बेटी का जन्म हो, हर घर में बेटी का जन्म हो, भगवान से ये मांगा करो। आज उल्टा पुल्टा यही तो तुम करते रहते हो, भगवान से जो भी मांगता बेटा ही मांगता, बेटा मांगता। हमने आज तक बेटी मांगने वाले कम ही होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन कम है, बेटा ज्यादा मांगते हैं। एक सज्जन के तो चार बेटियां थी, वो हमारे पैर पकड़ के रोने लगे। हमका क्या बात है? बोले महाराज वंश कौन चलाएगा, नाम कौन चलाएगा मेरा खानदान का नाम? हमने कहा हो क्या गया ये तो बता दो। कहे महाराज बेटियां चार हैं लेकिन बेटा नहीं है, ऐसा आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। हमने कहा तुम मूर्ख हो, बेटा इसलिए मांग रहे हो कि वंश चलावे, वंश का नाम चलावे? हमने कहा पहली बात तो ये है कि बेटा होगा तो तुम्हारे मरने के बाद तुरंत ही तहसील में एप्लीकेशन देगा, इनका नाम काट के मेरा चढ़ाया जाए।
क्यों भाई आवेदन यही देगा कि नहीं देगा? हमने कहा कोई भी बेटा आज तक किसी तहसील में एप्लीकेशन आवेदन दिया हो कि मेरे पिताजी भले ही मर गए उन्हीं का नाम चढ़ा रहे, हमारा नाम रिकॉर्ड में ना आए, उनका रिकॉर्ड बदस्तूर सुरक्षित रहे, लेकिन नाम, मैंने कहा सावधान बेटियां अगर तुम्हारे घर में चार चार हैं तो इस बात को समझ लो कि बेटी जिस घर में जिस दिन पैदा होती है उसी दिन उस घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। प्यारे वो पिता समझ लेता है कि अब मुझे बेटी का विवाह करना है। वो बेटी का विवाह बोलो यज्ञ है कि नहीं? बेटी का विवाह क्या मानते हो? यज्ञ मानते हो? अगर चार बेटियां भगवान ने दी हैं तो चार यज्ञ तुम्हारे हाथ से होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि बेटी जरूर भगवान से मांगो। आज जनक जी कहते हैं कि मेरा धैर्य नहीं टूट रहा है इसलिए कि मेरे पास संतुलन बनाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए मेरा धैर्य नहीं टूट रहा। ये बोध है जनक जी का। कह कौन सी शक्ति है? शस्त्र है? बोले शस्त्र नहीं। फिर का बेटी कौन है? बेटी। किसी को भी क्रोध आ जाए प्यारे, अगर बेटी सामने आ जाए तो क्रोध करुणा में बदल जाता है। बोलो बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? और खास तौर से छोटी उम्र की बेटी हो तो कहने क्या, बोलो छोटी उम्र की बेटी हो क्रोध करुणा में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? जनक जी ने कहा कि मेरा धैर्य इसलिए नहीं टूट रहा है, मेरे जीवन में बोध है कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ गई है लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं, आज प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी। किसके बल पर? का बेटी के बल पर। और सीता जी को इशारा किया, इशारा किया। परशुराम जी की आंखें लाल हैं, राजा घबरा रहे हैं, और इशारा किसको किया जनक जी ने? सीता जी को। जैसे इशारा किया, आहा, बेटी वही है जो बाप के इशारे पर चले। बोलो बेटी वही है जो माँ बाप के इशारे पर चले, वही बेटी है। इसलिए बेटियों को भी मैं शिक्षा दे रहा हूँ कि माँ बाप के इशारों पर चला करो। यदि माँ बाप के इशारों पर तुम चलोगी तो तुम्हें श्री राम जैसा वर प्राप्त होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन माँ बाप के इशारे पर तुम्हें चलना पड़ेगा। बोलो सीता जी माँ बाप के इशारे पर चली, कौन सा वर मिला? श्री राम जैसा वर मिला कि नहीं मिला? जैसे ही इशारा किया सीता जी चल दी, और जैसे सीता जी आई जनक जी ने कहा प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। जनक बहोर आए सिर नवा, उसीए बुलाए प्रणाम करावा। जैसे ही कहा कि प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो, और जैसे ही सीता जी ने प्रणाम किया, आहा, परशुराम जी की आंखों में आंसू आ गए, क्रोध था लेकिन करुणा आ गई ना। कहा जनक ये कौन है? कहा बेटी, इसी का विवाह है। अच्छा अच्छा, इसी का विवाह है? ये लौकिक रूप नहीं है, अलौकिक है, आदि शक्ति है ना? क्या है? आदि शक्ति है। कहा इसी बेटी का विवाह है? हाँ। आंखों में आंसू आ गए और वाणी को रोक नहीं पाए। परशुराम जी कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। अब बोलो भाई 50% मामला निपट गया कि नहीं निपट गया? बोलो भाई आशीर्वाद दे दिया है क्या? आशीर्वाद वापस लिया जाएगा? जो वचन दे दिया है उसको वापस किया जाएगा क्या? अखंड सौभाग्यवती हो। ईमानदारी से बताओ, ये क्रोध से समस्या का समाधान हुआ कि बोध से हुआ? हुआ बोध से कि नहीं हुआ? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराया करो। बड़ी से बड़ी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए सामने, लेकिन क्रोध करने की जरूरत नहीं है, उस समय बोध की आवश्यकता है। बोलो है बोध की आवश्यकता की? भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे दुर्योधन के पास, लेकिन उस समय भगवान ने क्रोध से काम लिया कि बोध से काम लिया? बोलो भाई अगर क्रोध आ गया होता तो दुर्योधन तो उसी दिन मर गया होता। बोलो मर गया होता कि नहीं मर गया होता? भगवान से बच जाता क्या? लेकिन उस समय क्रोध कौन कर रहा था? सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को घूम नहीं दे सकता हूँ केशव, इसलिए ध्यान से सुन लो, वो ख्वाब छोड़ो। बोलो ये क्रोध का परिचय कौन दे रहा था? दुर्योधन क्रोध का परिचय दे रहा था। भगवान श्याम सुंदर सुन रहे थे, और सुन रहे थे
और गंभीर बने बैठे थे, हैं वीर। दुर्योधन दुर्योधन कहां टकराता है उनके सामने, लेकिन है वीर, लेकिन गंभीर बन करके सुन रहे थे। बोलो सुन रहे थे कि नहीं? और ये क्रोध की भाषा बोल रहा था। ईमानदारी से बताओ विनाश हुआ कि नहीं हुआ? जिसके जीवन में क्रोध आया उसका विनाश हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ क्रोध पाप कर मूल, क्रोध के द्वारा ही विनाश की सृष्टि का सृजन होता है। ये विनाश की सृष्टि का सृजन कौन करता है? क्रोध करता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखो। जैसे ही जनक जी ने प्रणाम कराया, अखंड सौभाग्यवती भव, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, जनक जी महाराज ने लंबी सांस ली, का आधा समाधान तो हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब तो लाइन क्लियर हो गई, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद सीता जी को अगर मिला है तो राम जी को मिल गया। वो क्यों, किसको मिला? राम जी को मिल गया। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, गोल्डन चांस है, तुम प्रणाम कर लो, तुम भी प्रणाम कर लो, ये इतना बढ़िया गोल्डन चांस मिला है, इससे बढ़िया चांस दूसरा हो नहीं सकता, प्रणाम करो। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र मिले पुनियाई। विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही परशुराम जी के सामने आए, तो विश्वामित्र जी महाराज ने परशुराम जी को भुजाओं में भर लिया। अब जैसे ही भुजाओं में भरा, तो भुजाएं, दोनों भुजाएं परशुराम जी को पकड़े हुए हैं, विश्वामित्र जी की दोनों भुजाएं। अब जिस भुजा में फरसा है वो भुजा पकड़े पकड़े कहे प्रणाम करो राम, अब तुम चिंता मत करो, अब तो तुम प्रणाम करो, निश्चिंत होके प्रणाम करो। और जैसे भगवान राम ने प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, अब राम जी को देखा तो टकटकी निगाह से देखते रहे। राजाओं ने कहा इसका मतलब है पहचान गए परशुराम जी के, इसी ने तोड़ा, तभी तो देख रहे हैं, नक्शे सिक तक देख रहे थे। राजाओं ने कहा कंफर्म है, देखो धनुष तोड़ने वाला आ गया सामने, अब देख लिया है, पहचान लिया है। परशुराम जी महाराज ने जैसे राम को देखा प्यारे, तो आंसुओं की धार लग गई। ऐसे आंसुओं की धार लगी है जैसे सावन भादों में पानी की झड़ी लग जाती है, ऐसे आंसू झरझर झरझर। गोस्वामी जी से पूछा गया कि ऐसी मनोदशा परशुराम जी की क्यों हो गई? कह राम ही चितई, राम ही रहे थक लोचन रूप अपार मार मदमोचन। श्री राम जी को टकटकी निगाह से देख रहे हैं और कहते हैं ऐसा रूप मैंने अभी तक देखा नहीं। लेकिन एक बात बताएं, परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी का रूप पर आकर्षित होना ये उचित नहीं है। बोलो भाई, ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित हो ये उचित नहीं, लेकिन परशुराम अगर तुम रूप पर आकर्षित हो रहा है तो ये लौकिक रूप नहीं है, ये भी अलौकिक रूप है। सीता जी का भी अलौकिक रूप है और राम जी का भी अलौकिक रूप है। बोलो है कि नहीं? राम जी का और सीता जी का लौकिक रूप नहीं है, अलौकिक है, अलौकिकता है। परशुराम आज मैं किसको देख रहा हूं, ये लौकिक रूप नहीं है, ये तो अलौकिक रूप है। इसका मतलब है कि ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि संसार का रूप किसी ब्रह्मचारी को आकर्षित नहीं कर सकता है। यदि ब्रह्मचारी किसी के रूप पर आकर्षित होता है तो वो जगत का रूप नहीं, वो तो जगदीश का रूप हो सकता है, क्योंकि जगदीश पर ही उसका आकर्षण रहता है। आज परशुराम क्या तेरे सामने जगदीश आ गया? आज तू किसको देख रहा है? भगवान राम हाथ जोड़े खड़े हैं, साथ वीर हैं लेकिन हैं गंभीर, हाथ जोड़े खड़े हैं। परशुराम जी महाराज टकटकी निगाह से देख रहे हैं और फिर धीरे से कहते हैं, बालक तू प्रणाम तो कर रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि धनुष तोड़ने
का साहस और दुस्साहस किसने किया है, क्या तू नाम बता सकता है? ये कंफर्म है कि सभा में तू था, और तेरी सुकोमलता, तेरा स्वरूप, तेरी सरलता और सहजता ये सिद्ध कर रही है कि तू बता सकता है कि किसने तोड़ा है। एक बात आपको बताएं, किसी छोटे बच्चे से झूठ बोलने का रिहर्सल करवाओ, तो जिस तरह से रिहर्सल करवा रहे हो वो ना बोल करके वो वास्तविकता बोलेगा। जैसे मान लीजिए हम पहुंचे तुम्हारे दरवाजे पर और दरवाजा बंद हो और हम कुंडी खटखटाएं, अरे खोलो खोलो खोलो, हम आ गए हैं स्वामी जी, चित्रकूट वाले जगत गुरु हैं, खोलो खोलो, अब तुमको हमसे मिलना नहीं है, तो तुम छोटे बच्चे से कहोगे जाओ कह दो कि पापा है ही नहीं। अब ये तो कह दिया, वो आएगा और तुरंत कहेगा स्वामी जी पापा कह रहे, जाओ कह दो पापा है, क्यों यही कहेगा कि नहीं कहेगा? वो बिल्कुल कंफर्म है कि यही कहेगा, वो ये नहीं कहेगा पापा है नहीं, वो अपनी सत्य बात कहेगा। बालक तुम इस सभा में मौजूद रहे, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे रूप को देख करके मैं बलिहार हो गया हूँ, तुम्हारी सरलता सहजता से आज मैं प्रभावित हूँ, मेरा क्रोध करुणा में बदल गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने देखा है धनुष टूटा है लेकिन तोड़ा किसने है, उसको बता दे। राजाओं ने कहा इसका मतलब है कि मरना हम लोगों को है, क्योंकि जिसने तोड़ा है जब सामने पहुंच गया है फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, उसी से पूछा जा रहा किसने तोड़ा। अब पता नहीं मूड में आवे किसका नाम बता दे कि किसने तोड़ा, लेकिन राम जी वीर हैं, गंभीर हैं, बोले कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं। परशुराम जी ने कहा इसका मतलब यह है कि इस सभा में मुझे ये बताने वाला कोई नहीं है कि किसने धनुष तोड़ा, लेकिन फरसा अब तू इंतजार मत कर, इंतजार मत कर। फरसे ने कहा कि 9:15 बज गए हैं, अब इंतजार। परशुराम जी ने कहा कि मैं कहता हूं, अब देखो 10 मिनट की बात है, इसको जरा सुनाई लो, क्योंकि सुना दे 9:06 हुए हैं अभी अभी, है ना, 9:06 नहीं हुए, हम गलत ही देख गए थे, तुम्हारी घड़ी में 9:15 तो नहीं बज गया किसी घड़ी में, ये कह रहे हम घड़ी देख ही नहीं रहे हैं कोई, चलो 10 मिनट की बात और है जरा सुन। परशुराम जी ने कहा तू अपना कमाल दिखा परशु, क्या इंतजार कर रहा है? तो परशु ने कहा कि क्या कमाल दिखाएं, कमाल क्या दिखाएं, पता तो चले कि किसने तोड़ा। परशुराम जी ने कहा कि सुनो परशु, तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ा सा मौका दे रहे हैं, उस मौके में जो आ जाएगा सामने धनुष तोड़ने वाला, समझ लो सबको छोड़ दिया जाएगा, बस उसी को दंडित किया जाएगा, लेकिन मौका दे रहे हैं, 1-2। परशुराम जी ने कहा 3 कहूंगा और सामने आ जाना, नहीं तो हम सभी राजाओं के ऊपर पहले फरसा चलाएंगे और जितने राजा हैं पहले उन्हीं को निपटाएंगे। राजाओं ने कहा ये कन्फर्म ही है कि मरना हम ही लोगों को है, अब मौत ही जब आ गई है तो फिर अब क्या किया जाए। तब तक एक राजा बोला सुनो सब बच जाएंगे, कम से कम तुम बलवान हो, अपनी बहादुरी की बात कर रहे थे, तुम सीधे जाके कह दो परशुराम जी से जाके कि जो सामने सीधा साधा राजकुमार खड़ा है, हम पुरखों की कसम खा के कह रहे हैं इसी ने तोड़ा, जो सीधा साधा लग रहा है देखने में उसी ने तोड़ा, जाकर के कह दो। तो वो राजा कहता है हमको बेवकूफ मान रहे हो क्या, आंखें लाल लाल हैं, फरसा हाथ में लिए हैं, क्रोध कर रहे हैं, और हम जैसे ही सामने जाएं तो परशुराम जी यही समझें कि इसी ने तोड़ा है, इसलिए दे फरसा सीधा, बोलने का मौका ही ना मिले तो मर और जाएंगे, मर जाएंगे, बोल पाएंगे नहीं, मर के मर जाएंगे, तो अगर चलना है तो सवाई चलो इकट्ठे, और सीधे जाके कहो नहीं अकेले हम मरने के लिए नहीं जाएंगे, और मरना है तो सबको मार के मरेंगे, ऐसे थोड़ी कि अकेले मर जाए, का ऐसा नहीं होगा। परशुराम जी ने कहा हम 3 तक गिनती गिन रहे हैं, 3 में सीधे जिसने तोड़ा हो सामने आ जाए, नहीं तो हम फरसा चलाना शुरू करेंगे, 1-2। राम जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े, अच्छा लक्ष्मण जी जरूर देख रहे हैं कि अब होता क्या है, अब क्या होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरह से निगाहें लक्ष्मण जी की। अच्छा विश्वामित्र जी महाराज भी समझ रहे हैं कि जहां राम है वहां संग्राम हो नहीं सकता, बोलो बोलो, विश्वामित्र जी ये समझ रहे हैं जहां राम है वहां संग्राम,
हो नहीं सकता। बोलो ये विश्वास की बात है कि नहीं, ये किसकी बात है जल्दी बोलो। राम के सामने संग्राम और वो भी संघार, और संघार में भी ऐसा संघार कि जहां जनक जैसा धर्मवान खड़ा हो। बोलो भाई, जहां जनक जैसा धर्मवान खड़ा हो और जहां पर सतानंद जैसा धर्मज्ञ खड़ा हो, और जहां पुरनरनार सुमुगसुई संता धर्मशील ज्ञानी गुण वंता ऐसी धर्मवान जनता उसके सामने इतना बड़ा संघर्ष, और राम के सामने संघर्ष, जहां राम हो वहां संग्राम, विश्वामित्र जी कह रहे हो ही नहीं सकता है, ये विश्वास की बात है। और राम जी बिल्कुल वीर हैं लेकिन गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। परशुराम जी ने कहा एक दो, और जैसे कहा तीन, उसी समय भगवान राम हाथ जोड़ के बोल पड़े, तीन कहा और राम जी बोले। जैसे ही राम जी के मुख से शब्द निकला, अच्छा राजाओं ने वो शब्द नहीं सुना राम का, क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसको मौत ही दिखाई देती, ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता, क्यों भाई, जो मरने की कंडीशन में पहुंचता है। तो वो राजा लोग तो यही सोच रहे कि तो फरसा चलने वाला है निश्चित रूप से, अब तो सभी को मरना है। तीन कहा तो 10 मिनट हो गए, राम जी हाथ जोड़े खड़े हैं, उस शब्द बोलना ही चाहते थे, परशुराम जी ने ऐसे इशारा किया रुको रुको, इसका मतलब है कि तुमने धनुष तोड़ा, तुमने धनुष तोड़ा, या किसी का नाम बताने जा रहे हो कि किसने धनुष तोड़ा, बोलो 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 बोलो। अब राजाओं ने सोचा कि बहुत देर हो गई, फरसे फरसा चला होगा तो आवाज क्यों नहीं आ रही, भाई जिसके ऊपर चलेगा वो किच पिच तो कुछ होगा ही, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, चुपचाप थोड़ी बर्दाश्त कर लेगा, कुछ तो आवाज आनी चाहिए, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ और है, आंख खोल के देखो। और जैसे ही आंख खोल के एक राजा ने देखा, अरे बोले सब बच गए, मौत से बच गए, प्राण बच गए सबसे, मौत से छुटकारा मिल गया, खोलो आंखें, क्यों, बोले धनुष तोड़ने वाला तो सामने खड़ा है और कुछ बोलना चाहता है, अब डरने की जरूरत नहीं है। राजाओं ने लंबी सांस ली, परशुराम जी ने कहा बोलो जल्दी बोलो किसने धनुष तोड़ा, तो राम जी कहते हैं आप सुनिए तो क्रोध से नहीं बोधयुक्त, बोधयुक्त स्वरूप में सुनिए, क्रोधयुक्त स्वरूप में नहीं, क्रोध को दूर करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। परशुराम जी ने कहा क्रोध की बात अलग है, क्रोध नहीं, पहले तो तुम बोलो जल्दी कि किसने धनुष तोड़ा। तो राम जी कहते हैं नाथ संबोधन, नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं आपका दास होगा, दास। परशुराम जी ने कहा दास, तो ये बताओ इन सब में कौन दास है जरा, उसको हम समझ तो लें कि तू दास कैसा था जिसने इतनी बड़ी उद्दंडता की, जल्दी बोलो कौन है दास। अब राजा लोग सोच रहे पता नहीं किसको दास मान बैठे, मूड में आकर के फरसा दे दे तो मर और जाएगा, स्पष्ट नहीं बोलता है कि मैंने धनुष तोड़ा, ये कह रहा कोई दास होगा, अरे ये कहना चाहिए कि मैं ही दास हूँ मैंने तोड़ा, अरे दास ही कहना चाहिए, कहो मैं ही दास हूँ आपका मैंने ही तोड़ा, कोई है कोई एक दास, कोई एक दास, कोई होगा कोई दास, पता नहीं किसको दास मान बैठे। परशुराम जी ने कहा दास नहीं, वो मेरा शत्रु है, लेकिन उसका नाम बताओ, तुम धनुष किसने तोड़ा, नाम बताओ उसका। अब राम जी ने कहा महाराज कह तो चुका हूं कि कोई दास है, लेकिन आप क्रोध में समझ ही नहीं पा रहे, इतना क्रोध है आपके कि आप दास को पहचान नहीं पा रहे हैं, अगर क्रोध को दूर कर दिया जाए तो दास समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बार बताएं भैया, पूरा 17 तारीख तक ये सम्मेलन हो जाएगा लेकिन फैसला नहीं हो पाएगा, फैसला नहीं हो पाएगा, क्यों, इसलिए कि आपकी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज में ताली मेल नहीं है, आप दास कह रहे हो वो समझ नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हमारी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज बिल्कुल डायरेक्ट मिल रही है, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो थोड़ा सा मौका दे दो कि हम बता दें कौन दास है कौन खास है, अगर आप कह दें।
भगवान थोड़ा कौतुक देखते हैं, मुस्करा गए मन ही मन, कहे अच्छा ठीक है तुम्हारा मन है तो कुछ थोड़ा बोल लो बोल लो। और जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़ा सा फ्रंट पर आए, राजाओं ने कहा कि ये क्लियर बोलेगा, हाँ ये बिल्कुल क्लियर बोलेगा, क्योंकि तेज तर्रार है ये साधारण नहीं है, ये तो बोलता कुछ नहीं है और खड़ा रहता है हाथ जोड़े, सरल तो है लेकिन इतना सरल होना भी ठीक नहीं है कि समस्या पैदा कर दे सरल। और देखो ये बोल नहीं रहा, पता नहीं समस्या इतनी बड़ी पैदा होती अगर ये सामने नहीं आता छोटा वाला गोरा गोरा राजकुमार, तो समस्या पता नहीं फरसा किसके ऊपर चलता, लेकिन आगे आप समाधान हो जाएगा। लक्ष्मण जी जैसे सामने आए, परशुराम जी ने कहा एक बात बताओ, हम समझ रहे हैं कि तुम फ्रंट पर आ गए हो, धनुष तुमने तोड़ा। परशुराम जी बोले ये बताओ तुम्हारा था। परशुराम जी बोले धनुष तुमने तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ आपका था, पहले ये बताओ आपका था क्या। परशुराम जी ने कहा मेरा नहीं था, मेरा नहीं था। तो लक्ष्मण जी बोले फिर आपके बाप का था क्या, इतनी बातें क्यों कर रहे हो। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का था, मेरा नहीं था लेकिन मेरे बाप का था। तो आपके बाप कौन है परिचय दे दो जरा, आपके बाप हैं कौन परिचय दे दो। कहा मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरे वृत्त संस्कार हुए हैं और मैंने भगवान शिव को अपना गुरु माना है। विरक्त परंपरा में जो गुरु होता है वही बाप होता है। बोलो भाई, जैसे हमारे राजस्व रिकॉर्ड में जो बल्दियत डली है वो जन्म देने वाले बाप की नहीं डली है, हमारे गुरु की डली है। किसकी डली है? पिता के स्थान पर नाम किसका है? जन्म देने वाले बाप का नहीं है, गुरु का है। क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, इसलिए हमने पिता के स्थान पर गुरु का नाम लिखा है। तो मेरे बाप का था धनुष, से तुम ठीक बोल रहे हो कि बाप का था, तो बाप का ही तो था। तो आपके बाप कौन है? का भगवान शंकर। लक्ष्मण जी बोले आपके बाप ही तोड़वाने चले आए तब क्या दोष है फिर किसी का, आप अपने बाप से ही करिए बात। परशुराम जी ने कहा कि मेरे बाप, यदि शंकर जी आपके बाप हैं तब मैं कह रहा हूं महाराज ध्यान से सुनना, अगर शंकर जी आपके बाप हैं, शिव जी को आपने पिता माना है, तो इस धनुष को तोड़वाने में जिम्मेवार भगवान शंकर हैं। और यदि इसकी पुष्टि आपको चाहिए तो आप अपने पिता से पूछो, अपने बाप से पूछो जाके। परशुराम जी ने कहा कि अगर ये सत्य है तो इस समय तो मेरे बाप विश्राम कर रहे होंगे, अब कल ही पूछेंगे। क्यों भाई? क्योंकि सवा 9 बज गए हैं, अब क्लियर करेंगे कि हाँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि धनुष को तोड़वाने में शंकर जी की भूमिका, किसकी भूमिका है? भगवान शंकर की भूमिका है। इसलिए ये कंफर्म है कि शिव जी का धनुष है, वो तोड़वाने वाले कौन है? भगवान शिव हैं। और सत्य है ये, अब शिव जी हैं धनुष तोड़वाने वाले।